जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबरों की ओर। विवादित डॉक्यूमेंट्री काली की पोस्टर को लेकर फिल्म मेकर लीना मणिमेघलाई पर एमपी में 2 एफआईआर दर्ज की गई। बीजेपी नेता दुर्गेश केशवानी ने गुरुवार को लीना के खिलाफ क्राइम ब्रांच भोपाल में मामला दर्ज कराया। वहीं दूसरी शिकायत जबलपुर के पनागर विधायक सुशील तिवारी के बेटे हर्ष तिवारी ने दर्ज कराई। बता दें, फिल्म मेकर लीना ने काली माँ को सिगरेट पीते हुए दिखाया। पनागर थाना प्रभारी आर के सोनी ने बताया कि शिकायत में कहा गया कि डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर में माँ काली को आपत्तिजनक रूप दे दिया गया। हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र माँ काली के ऐसे रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया। काली फिल्म के निर्माता लीना मणिमेघलाई के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अधिवक्ता बुधवार को आधारताल थाना पहुंचे और शिकायत देकर लीना के खिलाफ एफआईआर की मांग की। अधिवक्ताओं ने कहा कि फिल्म के पोस्टर में मां काली के आपत्तिजनक स्वरूप से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। वहीं भोपाल के क्राइम ब्रांच थाने में पश्चिम बंगाल से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज किया गया। महुआ मोइत्रा ने हिंदू देवी काली माता पर विवादित बयान किया था, जिससे नाराज भोपाल के एक चाय वाले रामचंद्र ने उनकी शिकायत की। रामचंद्र का कहना है कि इससे उनकी भावनाओं को धक्का लगा। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।